करीब 8,000 लोगों के सामने हमने परफॉर्म करा एंड ये जो एक्सपीरियंस था वो इतना ज्यादा सररियल, इतना ज्यादा अनबिलीवेबल था कि मैं बता नहीं सकता। थोड़ी सी कोशिश करता हूँ मैं डिस्क्राइब करने के लिए क्योंकि तुम्हें घर बैठे मजा आने वाला है। मैं अगर इवेंट की बात करूँ तो इट वॉज अंडर 25 एक समिट होता है बैंगलोर में हर साल, जहाँ पे इंडिया के बेस्ट क्रिएटर्स, बेस्ट म्यूजिशियंस, बेस्ट आर्टिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि वहाँ पे किंग भी आए हुए थे, फिर एमसी स्टैन आया हुआ था, बहुत सारे क्रिएटर्स, दृष्टि भी वहाँ पे थी, अवंती वहाँ पे थी, बहुत सारे लोग आए थे एंड सबको अपने अपने परफॉर्मेंसेस कर रहे थे। वहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस थे, उसमें से एक स्टेज मेरा था जहाँ पे मुझे परफॉर्म करना था। अब जैसे हम लोकेशन पे पहुंचते हैं ना, मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखती है। इस स्टेज पे मुझे परफॉर्म करना था, वो स्टेज एक ऐसा स्टेज था जहाँ पे आसपास बहुत धूल उड़ रहा था एंड स्टेज के सामने लोग बहुत कम थे, मतलब इतने कम कि देख के मेरा मूड ऑफ हो गया। यार कहाँ मैं कल लखनऊ में परफॉर्म कर रहा था, इतने सारे लोग आए हुए थे और कहाँ ये अंडर 25 के नाम पे क्या चल रहा है यहाँ पे। मैं बहुत सैड हो गया था, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता जा रहा था। सो 5 मिनट्स में मैं स्टेज पे आने वाला हूँ, अभी कोई पैनल डिस्कशन चलने वाला है। आदित्य जल्दी, क्या लग रहा है, उम्मीद क्या है भाई? बहुत पम्प्ड अप हूं, 30,000 लोग आए इस वेन्यू पे, आई एम श्योर लोग सुनते ही आ जाएंगे भाग के यहाँ पे, आई एम वेरी श्योर। और अगर लोग नहीं आए तो लोग पहचान ही नहीं कौन सा गाना है तो भाई नहीं आए तो उनका लॉस है। हाँ बताओ क्या सीन है भाई, कितना प्रिपेयर्ड हो? नितिन को मैंने इशारा किया कि भाई ट्रैक ऑन करो मेरा सफर का, उसके साथ में साउंड मैच करके देखता हूं अपने वोकल्स का। अब जैसे ही नितिन ने ट्रैक प्ले किया मेरा सफर का, स्टार्टिंग का वो गिटार का मेलोडी बजता है और जैसे ही मैंने गाना शुरू किया What I see next is कि audience भाग के स्टेज के पास आ रही है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुंच गया। मैंने आदित्य को बोला, आदित्य बस हो गया, अब काम अपना, अब सब कुछ कर लेंगे हम। How are you doing, Bangalore? बहुत धूल उड़ रही है ना, अभी और ज्यादा उड़ाने वाले हैं हम, राइट? मेरा सफर सबको याद है? Cool. तो we'll start with मेरा सफर. Then I'll be singing few more songs and I need to listen to you cheering because my guitarist, he plays his guitar only when people cheer for him. Because I don't pay him, बहुत अलग सा मामला है, okay? Ready? Cool, let's start. अब मेरे सारे परफॉर्मेंसेस में ना मैं एक चीज करता हूँ जो कि मुझे खुद करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं ना लोगों को उन गानों के पीछे की कहानियां बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ख्वाब सुनाया तो उससे पहले मैं लोगों को बताता हूँ कि गाइस मैंने ख्वाब एक लड़की के लिए लिखा था एंड वो लड़की कौन थी, मुझे कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, कैसे मुझे इंस्पिरेशन मिला उस गाने को लिखने के लिए, मैं लोगों को ये बताता हूँ। बेस्ट फीलिंग इज जब मैं लोगों की आंखों में देखता हूँ कहानियों को सुनाने के टाइम, क्योंकि उनकी आंखों में दिखता है कि वो कैसे से रिलेट कर पा रही है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये बंदा भी हमारी तरह है, कोई अलग नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने अपने 5-6 ओरिजिनल गाने वहाँ पे गाए एंड ट्रस्ट मी मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि कहाँ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आसपास लोग ही नहीं होंगे एंड मेरे गाने के बाद वहाँ पे इतने सारे लोग थे और इतने अच्छे लोग थे कि मेरे गाने पे वो क्लैप कर रहे थे। जब मैं मेरा सफर गा रहा था मैंने लिटरली उनको क्लैप करवा दिया बीट प्रोवाइड करने के लिए। अब ये जो फीलिंग थी जो मैंने फील करी एज एन आर्टिस्ट, ट्रस्ट मी मैं इसको कभी वर्ड्स में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता, शायद कभी गाना लिख दूंगा इस टॉपिक पे। बट यार थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो कि बैंगलोर आए एंड मेरे से मिले, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के बाद जो हुआ भाई ऐसा लग रहा था फैन फेस्ट में आ गया हूं मैं। स्टेज से मैं उतरता हूं एंड स्टेज के जस्ट राइट साइड में ना बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स थे एंड डिवाइडेड था बेसिकली, उसके उस साइड फील्ड था एंड इस साइड स्टेज वाला एरिया था एंड उस पूरे एरिया में इतने सारे लोग खड़े थे जस्ट सेल्फी के लिए। मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी एंड मैंने ये मेक श्योर किया कि जितने भी लोग वहां पे खड़े थे उन सबके साथ में सेल्फी। छुप ना सके वो बात हो, है सब जानते जो वो राज हो, प्यासा हूं मैं तुम बारिश की आवाज हो। सो या द इवेंट गॉट डन, आई परफॉर्म्ड एंड भाई जो एक्सपीरियंस था, मतलब जो बैरिकेड था वहाँ पे उसके सामने लोगों ने ऐसी भीड़ लगा दी कि ऐसा लग रहा था कि फैन फेस्ट चल रहा हूँ। सचिन आई वुड लाइक टू से 70
70% फीमेल ऑडियंस थी और सब 70 नहीं थी 40 होगी 70 थी भाई, देख लेना तुम लोग जब भी ब्लॉग आएगा। आई मीन लड़की फोटो खींचा के गई, मैं देख रहा था यार यार ये कौन है यार, ये कौन सा आर्टिस्ट है, जल क्यों रहे थे ये कौन सा आर्टिस्ट है भाई, जल क्यों रहे थे मेरे से, मेरे को थोड़ी जलन होती है भाई। एंड यो दैट्स ऑल कल मुझे NIT दुर्गापुर जाना है, वहां परफॉर्म करना है। बहुत ही अलग सी लाइफ हो गई है मेरी, समथिंग दैट आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। अपने इसके फ्लॉज हैं, बहुत टायरिंग है बट बहुत मजा भी आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। दृष्टि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही है वैसे, मैं जहाँ जाता हूँ तो मुझे दिख जाती है वहाँ पे, व्हाट इज इट, आर यू फॉलोइंग मी, आई एम फॉलोइंग योर सॉन्ग्स, ओह डिड यू लिसन टू द न्यू वन, ऑफ कोर्स, हाउ वाज इट, आई लव्ड इट, किसकी याद आई थी खास पसंद के, सच सच बता रहे हमारे पुराने व्लॉग्स देख ले तुम लोगों ने, किसकी याद आई होगी मुझे, बट जेन्युइनली कैसा लगा सॉन्ग, बहुत अच्छा, आई लव्ड इट, इसका मतलब ये है कि तुम उस पे ग्रीसी बनाने वाली हो, ऑफ कोर्स हम कोलैब करने वाले हैं, ओह हां यस ओके, अब क्या हम शूट करने वाले हैं, आई हैव सेड इट नाउ, वी आर कोलैबोरेटिंग ऑन मिराक्वा, एंड यू हैव टू चेक इट आउट ऑन Instagram, फॉलो अस ऑन Instagram as well, ऑफ कोर्स दैट्स तो बस ऐसे ही इवेंट खत्म हो गया, उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ करा नहीं क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट मुझे लोगों से ऐसे मिलना हाय हेलो हाउ आर यू करना दूसरे आर्टिस्ट दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ बिल्कुल पसंद नहीं है, है भी और नहीं भी, तो इसलिए दृष्टि से मिलने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं। अगर मैं आपको कहीं पे भी रैंडमली कभी भी दिखता हूं ना तो प्लीज़ हिचकिचाना मत, प्लीज़ आके मेरे से मिलना, क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस, उसी मोमेंट के लिए उसी दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है ताकि तुम लोगों से मैं ऐसे मिल सकूं। तो ठीक है, उसके बाद वो इवेंट खत्म हो जाता है, मैं नितिन और पूरे टीम में चले जाते हैं होटल रूम में रहने के लिए, तो जल्दी से हम सो गए रात को एंड वो दिन वहीं पे खत्म हो गया। इस पूरी कहानी से मैं तुमको बस एक ही चीज बताना चाहता हूं जो कि मैं हर बार बोलता हूं एंड वो ये है कि इन केस यू बिलीव इन योर ड्रीम्स चीजें हो जाएंगी। सेकंड थिंग इज कि मेरे लिए ये इवेंट बहुत ही स्पेशल था क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि लोग आए ही नहीं है, लोग मुझे सुनना ही नहीं चाहेंगे, लोग मुझे देखेंगे ही नहीं क्योंकि वहाँ पे बहुत कम भीड़ थी। लेकिन वो जो मोमेंट मैंने फेस करा जब मैंने मेरा सफर गाना शुरू करा एंड लोग भागते हुए स्टेज के सामने आ गए, अभी भी फ्लैशेस है उसके मेरे आंखों के सामने एंड ट्रस्ट मी वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। तो क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द पहला परफॉर्मेंस था, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। थैंक यू सो मच टू Under-25 टीम, थैंक यू सो मच बैंगलोर, थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु शोड अप, दिल से थैंक्स, तुम एग्जिस्ट करते हो तो मैं एग्जिस्ट करता हूँ। दिस इज Eclipse Nova साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले इस व्लॉग का तुम्हारा फेवरेट सेगमेंट कौन सा था जिसने कि तुमको मोटिवेट किया, एंटरटेन किया, इंस्पायर किया, नीचे कमेंट जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और ये बता के जाना कि तुमको इस चैनल पे और किस टाइप के वीडियोस देखने हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।